नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ ऋतिक। बिहार में शराबबंदी को लेकर लगातार सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने है। एक तरफ सत्ता पक्ष कहता है कि बिहार में शराबबंदी पूर्ण रूप से लागू है, बिहार के मुख्यमंत्री कहते हैं कि शराबबंदी पूर्णतः बिहार में लागू है और सख्ती से इसे और भी पालन करवाया जा रहा है, तो वहीं विपक्ष कहता है कि ये फिसड्डी है, धरातल पर शराबबंदी जीरो है, धत्त है और इस पर अब सियासत भी गरमाती जा रही है। और इसी कड़ी में आज एक बार फिर पटना में आरजेडी के विधायक और प्रधान महासचिव आलोक मेहता ने एक बयान दिया है शराबबंदी को लेकर। उन्होंने कहा कि एनडीए की सरकार बिहार में है, डबल इंजन की सरकार है और शराबबंदी को रोक नहीं पा रही है। बिहार में हर दिन 38 जिलों में शराब धड़ल्ले से व्यापार चल रहा है और इसके साथ ही साथ पंचायत स्तर पर भी दुकानें शराब की चल रही हैं, तो ऐसी सरकार से शराबबंदी को पूर्णतः लागू करवाने पर और पूर्णतः इस पर कार्रवाई पर भी विचार करना मुनासिब नहीं है। इस पर और क्या कुछ कह रहे हैं राजद के विधायक और प्रधान महासचिव आलोक मेहता, इसके लिए इस पूरे बयान को सुनिए। ये देखिए, ये सब जो है अनर्गल आलाप है, विफलता को छिपाने की तरह तरह से कोशिश की जा रही है। असल बात यह है कि शराबबंदी सरकार उसको सरकार विफल रही शराबबंदी पूरी तरह लागू करने में, उसी का आलाप है और क्या है। बहाने खोजे जा रहे हैं, उदाहरण कहीं कोई हम कह रहे हैं कि किसी ने मना किया कि कोई मतलब शराब हम लोग के में से कोई हो तो उसको आप नहीं पकड़िए, किसे मना किया गया। तो अब सवाल उठता है कि कितने क्लिप्स जारी हुए, उसमें एनडीए के सब लोगों के भी क्लिप्स जारी हुए, तो क्या यही बहाना हो सकता है क्या शराबबंदी को फेल करने का। सरकार में इच्छा शक्ति की कमी है और जिस सरकार ने पूरे बिहार में शराब के बिक्री का विस्तार किया, नौजवानों को शराब की लत लगाई, 7,500 पंचायतों में 15,000 शराब के दुकान खोले गए, और उस सरकार वह सरकार यदि कहती है कि हम गांधी हैं और गांधीवादी हैं तो यह विडंबना है। धन्यवाद। ये देखिए, ये सब जो है अनर्गल आलाप है, विफलता को छिपाने की तरह तरह से कोशिश की जा रही है। असल बात यह है कि शराबबंदी सरकार उसको सरकार विफल रही शराबबंदी पूरी तरह लागू करने में, उसी का आलाप है और क्या है। बहाने खोजे जा रहे हैं, उदाहरण कहीं कोई हम कह रहे हैं कि किसी ने मना किया कि कोई मतलब शराब हम लोग के में से कोई हो तो उसको आप नहीं पकड़िए, किसे मना किया गया। तो अब सवाल उठता है कि कितने क्लिप्स जारी हुए, उसमें एनडीए के सब लोगों के भी क्लिप्स जारी हुए, तो क्या यही बहाना हो सकता है क्या शराबबंदी को फेल करने का। सरकार में इच्छा शक्ति की कमी है और जिस सरकार ने पूरे बिहार में शराब के बिक्री का विस्तार किया, नौजवानों को शराब की लत लगाई, 7,500 पंचायतों में 15,000 शराब के दुकान खोले गए, और उस सरकार वह सरकार यदि कहती है कि हम गांधी हैं और गांधीवादी हैं तो यह विडंबना है। धन्यवाद।